नमस्कार, आज मैं बहुत ही सुंदर जगह जिया वैली में आया हूँ जो कि धर्मशाला और पालमपुर के बीच पड़ती है। यहाँ पे स्थित ओशो हिमालय में आया हूँ। मैं काफ़ी टाइम पहले यहाँ आया था, मैंने वीडियो बनाया था, उसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, फ़ोन आए, लोगों ने पूछा मेरे से कि अब टाइम हो गया है, एक साल के ऊपर हो गया है, तो वहाँ क्या नया नया कुछ ऐड हुआ है वहाँ पे और क्या चेंजेस आई हैं उसके बारे में हमें बताइए। तो मैं आज फिर वहाँ आया हूँ, चलिए मेरे साथ देखिए यहाँ पे क्या कुछ बदला है, क्या कुछ ऐड हुआ है। और उसके अलावा मैंने यहाँ की जो कर्ता धर्ता मिस प्रेम सिंधु हैं उनसे बात की है, वो आपको बताएंगी। और पिछली बार मैंने आपको ज़्यादातर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया था, इस बार मैं आपको यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं थोड़ी बताऊँगा भी, मिस प्रेम सिंधु बताएंगी और आपको दिखाऊँगा भी मैं अपने वीडियो में। और पिछली बार मैंने आपको मेडिटेशन हॉल जो हैं उनकी सिर्फ फ़ोटो दिखाई थी, कुछ एक एक्टिविटीज़ जो वहाँ होती हैं, कुछ हंसने के लिए होती हैं, कुछ स्ट्रेस बस्टर होती हैं, कुछ सीरियस मेडिटेशन होती है, कुछ आपको हायर अप से कनेक्ट करने के लिए होती हैं, तो उसके भी अलग अलग रूप में आपको दिखाऊंगा। आइए मेरे साथ और देखिए यहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, क्या क्या चेंजेस आई हैं और जो चीज़ें मैं पहले नहीं दिखा पाया आज को फिर से दिखा रहा हूँ। तो मेरे साथ दोबारा देखिए ओशो हिमालयस, आइए मेरे साथ। तो जैसा मैंने आपको बताया, मुझे पिछला वीडियो बनाने के बाद बहुत सारी इंक्वायरीज आई, मैसेजेस आए, फ़ोन आए, तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा वहाँ जाया जाए, देखा जाए कि एक साल में और क्या क्या एडिशंस हुई हैं, क्या वहाँ पे चेंजेस आई हैं। और जो क्वेरीज और जो सवाल मुझसे पूछते हैं लोग, मैं कहा क्यों डायरेक्ट वहाँ पर जाके मैं क्यों ना पूछूँ। तो मेरे साथ बैठी हैं प्रेम सिंधु जी जो कि ये पूरा चलाती हैं, ये और राजीव जी इनके हस्बैंड हैं, ये दोनों मिलके इसको पूरा चलाते हैं। तो मैं इनको सवाल पूछता जाऊंगा जो जो मेरे पास आए हैं और ये बताती जाएंगी आपको। सबसे पहले तो एक साल में यहाँ जो चेंजेस हुई हैं, जो नई एडिशंस हुई हैं उनके बारे में शील टेल यू, देन विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्ते संदीप, आई एम सो ग्लैड कि आप वापस यहाँ आए। इट्स माय प्लेजर, इस जगह ने आपको वापस खींचा और बुलाया। तो जगह तो अपने आप इवॉल्व हो रही है एग्जिस्टेंशियली, जैसे कहते हैं कि ग्रो कर ही रही है। और मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं कि आप कब आए थे, एक नई बुक शॉप यहाँ बन रही है और जहाँ पे हम लोकल हिमाचली जो कल्चरल हैंडीक्राफ्ट्स हैं और यहाँ की चीज़ें हैं वो भी हम एग्जिबिट करेंगे। बाकी स्पा ऐड हुआ है, उसमें हमने एक समाधि टैंक, एक फ्लोटेशन टैंक करके एक नया एलिमेंट रखा है जो शायद इंडिया में उतना अवेलेबल नहीं है, जिसमें आप 45 मिनट्स का सेशन रहता है एप्सम सॉल्ट वाटर में, आप डीपली एक तरह से एक आपको समाधि और डीप रिलैक्सेशन का अनुभव रहेगा, वाटर में आप फ्लोट करते हैं, प्लस जेकूजी सोना और बॉडी थेरेपी के सेशंस रहते हैं, आयुर्वेदिक थेरेपीज शिरोधारा से लेकर मसाजेस डिफरेंट काइंड्स, तो वो सब भी है। एक सवाल था कि क्या सिर्फ ओशो फॉलोअर्स ही वहाँ जा सकते हैं या क्या जो ओशो फॉलोअर नहीं है सिंपली मेडिटेशन करना चाहते हैं तो कैन दे गो फॉर अ गाइडेड मेडिटेशन या एज अ टूरिस्ट ही वहाँ जा सकते हैं। मेरी जितनी समझ है मैं उसके बारे में बोलता हूँ एंड देन इट विल बी ओवर टू प्रेम सिंधु जी, शी विल टेल यू इन डिटेल। बेसिकली शी इज़ अ ओशो फॉलोअर, नाम भी ओशो हिमालयस है, तो डेफिनेटली ओशो के फॉलोअर्स यहाँ पे ज़्यादा अपने आप को एट होम पाते हैं एंड शी हैज़ बीन ट्रेंड दैट वे, बट इट इज़ नॉट अ कंडीशन। अगर आप सिंपली मेडिटेशन करना चाहते हैं, टूल्स जरूर ओशो के यूज होते हैं, लेकिन बेसिकली शी इज कनेक्टिंग यू टू द नेचर, टू मेडिटेशन, टू वेरियस टेक्निक्स,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ओशो के फॉलोअर्स हैं। और तीसरी बात कि एज ए टूरिस्ट भी अगर आप यहाँ आना चाहें तो आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस फॉर मैनी रीजन्स। नंबर वन, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। नंबर टू, इट्स मिडवे बिटवीन धर्मशाला एंड पालमपुर, एंड आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। हाँ, यहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। इट्स अ वेजिटेरियन प्लेस, यहाँ पे मील्स के, ब्रेकफास्ट के, चाय के टाइमिंग्स हैं विच यू हैव टू अडहेयर टू। प्लस एक प्लस पॉइंट भी और भी है कि ये इट्स अ वेरी, दे आर वेरी एनिमल फ्रेंडली, तो अगर आप पेट भी लाए हैं तो आप उसके साथ रह सकते हैं। एंड जिया विलेज इट्सेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे और बहुत सारी अच्छी जगहें हैं, जैसे एक मॉनेस्ट्री है, एक गुरुद्वारा है, एक नदी बहुत अच्छी है, खड कहते हैं हम यहाँ पे वैसे, बट इट्स अ स्ट्रीम, बहुत प्यारी है। और एक यहाँ पे पावर हाउस है, हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट है, जहाँ पे भी बहुत अच्छे नज़ारे हैं। तो यू कैन स्पेंड अ डे हेयर ऑल्सो। आई थिंक आपने काफ़ी कुछ कह दिया संदीप। हाँ, इस जगह का जो एसेंस है वो ओशो है। ओशो के ध्यान विधियाँ हैं, ओशो ने जो जो हमें दिया है वो हम यहाँ डेली होते हैं। यहाँ पे 5 ध्यान तो रोज़ होते हैं, प्लस महीने में 3-4 थीम बेस्ड वर्कशॉप्स होती हैं। तो आप अगर किसी वर्कशॉप में आना चाहते हैं, किसी कोर्स में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आप खाली स्टे के लिए आना चाहते हैं और ध्यान करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि एक ध्यान दिन में ज़रूर करें। और काफ़ी लोग जो यहाँ आते हैं वो सेल्फ डिस्कवरी, वो कुछ ढूंढ रहे हैं, वो शांति चाहते हैं, वो अपने को थोड़ा और जानना चाहते हैं, वो लोग आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओशो के ही प्रेमी आते हैं, ध्यान के प्रेमी जो भी इस पाथ पे है वो यहाँ मोस्ट वेलकम है। और अपने आप ही मैं देखती हूँ स्टे के लिए भी आएंगे, दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स, वो खुद ही कहते हैं कि हम एक मेडिटेशन में आए हैं। एंड आई सेड यस, मेडिटेशन तो इस जगह का आधार है। तो एंड डेफिनेटली यहाँ आसपास नेचर इज़ इन अबंडेंस, जैसे आपने कहा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट का, बहुत ट्रैकिंग पे जा सकते हैं, वॉक्स पे जा सकते हैं, नेचर वॉक्स पे। अच्छा, हिल चमुंडा भी है जो लोग ट्रैकिंग पे जा सकते हैं। इवन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट का इज अराउंड लाइक 9-10 किलोमीटर वॉक, मैंने खुद काफ़ी बार किया है। और उसमें डीप 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 आप आगे जाएं तो बहुत ही सुंदर वाटरफॉल्स और नेचर है साथ में। हाय, आई एम मित्रा, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम हियर सिंस फॉर अ मंथ नाउ, यू नो, एंड इट्स अमेजिंग हियर। आई हैव आल्सो काइंड ऑफ वॉलंटियर्ड हियर एंड इट्स लाइक सेकंड होम फॉर मी। एंड आई, टू बी ऑनेस्ट, इफ द क्वेश्चन इज व्हाई आई डू I come here, I don't know, to be honest. Something about this place pulls me, the mountains, the place, the nature, and my association, of course, with this place. And there is one more thing about this place, that it has the true essence when it comes to meditation. So the message for people who want to come and enjoy this place is that come here with an open mind, you know, go for the meditations here, you know, and just give in, like give 100%, you know, give everything what you have. Totality is the thing which I believe in. You give totally and then see what happens, you know, and open for, I mean, this place and meditations, of course, can open so many doors for you, you know, which you might have not opened before. You might have not even realized that they are there, you know. You can actually get to know about yourself so deeply. So, if you are considering for a change, for the better, this is the place to be. Thank you. आखिर में मैं 2-3 चीज़ें और बोलना चाहूँगा। एक तो मैं इनका लिंक नीचे डाल रहा हूँ और फ़ोन नंबर भी डाल रहा हूँ, बिकॉज फ़ोन नंबर जो रिसेप्शन का है वो मैं डाल रहा हूँ। कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ आप जानना चाहें, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर दैट आई गेट योर क्वेरी आंसर थ्रू देम। एंड इनका लिंक डाल रहा हूँ जिसमें आपको हर प्रोग्राम जो है डिटेल में मिल जाता है। इनके कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, देन दे इन्वाइट डिफरेंट पीपल, तो वो भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं।
दूसरा जो लोकल है, लोकल मतलब जो 10, 20, 30, 40 किलोमीटर की विसिनिटी में है, जो लोग प्रॉक्सिमिटी में हैं, उनके लिए लोकल पासिस हैं, डे पासिस जिसको कह सकते हैं, वो पास लेके आ सकते हैं फॉर अ डे टू स्पेंड टाइम हेयर, टू चिल आउट एंड डू ध्यान ऑल्सो। और एक और चीज़ जो प्रेम सिंधु जी प्रमोट नहीं करती हैं, किसी को कहती नहीं है, बट मुझे कहीं से पता लगा था, मैंने इनको अप्रोच किया, हालांकि मैं उसका फ़ायदा अभी तक उठा नहीं पाया हूँ। शी इज़ अ वेरी गुड काउंसलर। हम सब, जैसा कि इन्होंने कहा, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं, हम जिंदगी में बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम इमोशनली कई बार ड्रेन आउट हो जाते हैं। शी इज़ अ वेरी गुड काउंसलर, जो कि अपने आप को ये प्रोजेक्ट करती नहीं है, बट टेक माई वर्ड फॉर दैट, इवन आई विल बी काउंसलिंग हर वेरी सून, हालांकि मैं कहता रहता हूँ, डिले करता रहता हूँ, बट शी इज़ अ वेरी गुड काउंसलर, प्रोवाइडेड शी हैज़ टाइम एंड वेदर शी इज़ विलिंग टू काउंसल यू। ये मुझे कहीं से पता लगा था, एंड ड्यूरिंग माई चैट विद हर आई नोटिस दैट शी इज़ अ वेरी गुड काउंसलर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमेशा की तरह मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।